विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल के दौरे की बीमारी भारतीय मर्दों में स्त्रियों से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। हम भी तो मर्द ही हैं। दिल के दौरे के लक्षणों में सीने में बाई तरफ भारीपन या दर्द होना, बाएं हाथ में कंधे से लेकर हथेलियों तक दर्द होना और चक्कर आना शामिल है। बाप रे, 7 दिनों से यही तो सारे लक्षण हम भी महसूस कर रहे हैं। यानी कि हमारा पत्ता भी साफ होने वाला है। क्या हुआ पापा, आप ठीक तो है ना? कुछ दर्द सा हो रहा है। लो, शुरू हो गई शक की बीमारी। ये बीमारी का शक, शक की बीमारी नहीं है। बात बीमारी और शक से ही जुड़ी हुई है ना। तुम कभी नहीं समझोगी। पापा आप बताएंगे तो मैं जरूर समझूंगी। अरे हमने कहा ना कि हमको दर्द हो रहा है यहाँ छाती में। कब से हो रहा है दारी? अभी अभी जब राधिका न्यूज़पेपर पढ़ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तब नहीं हुआ था, तब हमको एहसास हुआ कि पिछले 7 दिनों से हमको दर्द हो रहा है। राधिका दीदी आपको क्या जरूरत थी न्यूज़पेपर पढ़ने की? सुनती तू चुप कर। पापा आप अंदर जाके आराम कीजिए ना। नहीं बेटा, घर बैठे बैठे कभी पैसे नहीं कमाए जाते, उसके लिए घर के मर्द को ऑफिस जाके काम करना पड़ता है बेटा। पापा, तारी, पापा सुनिए तो। तारी। दीदी दर्द तो अक्सर मुझे भी होता है। कहाँ होता है? घुटनों में। फिर तो हमें तुझे दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा ना। ऐसा क्यों? तेरा दिमाग तो घुटने में है ना स्वीटी। हाँ। फिर यहाँ पे क्या होता है? क्या बात है आनंद, बड़े परेशान दिख रहे हो। क्या बताएं गुप्ता, हमारी तो बस। तुम्हारी क्या बस? हमारी कहानी अब खत्म होने वाली है गुप्ता। अरे वाह, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम कहानियां भी लिखते हो। अरे पागल हो क्या, फिल्म की कहानी नहीं जिंदगी की कहानी जो खत्म होने वाली है। क्यों, क्या हुआ? दिल का मामला है गुप्ता। अरे आनंद, इस उम्र में किस पर दिल आ गया यार? अरे तुम बकलोल हो क्या है? अरे दिल का मामला यानी कि दिल की बीमारी हो गई है, कुछ और नहीं। तो ये बात है। आनंद, तुमने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है कि नहीं? हाँ कराया है, 10 लाख रुपए का। फिर तो ठीक है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग दिल के पहले दौरे के समय ही सीधे स्वर्ग के दौरे की ओर निकल पड़ते हैं। तो क्या हम भी ऐसे ही? कोई गारंटी नहीं है यार। देखो आनंद, अगर तुम और जीना चाहते हो ना तो ये तेल मसाले वाला खाना बंद कर दो और सिर्फ उबला हुआ खाना खाओ और दिन में जॉगिंग करना शुरू कर दो। अगर ये सब तुमने नहीं किया ना तो बस 1-2 दिन के और मेहमान रह जाओगे। 1-2 दिन नहीं, वो हमारा मतलब है कि 1-2 साल। गर्मा गर्म पुड़िया है देसी घी में। अयो दादा, क्या हुआ आपको? ऐसे थके थके काहे लग रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बस हम ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा है इसलिए। अयो दादा, तो खाना खाइए ना, हम सब आपकी पसंद की चीजें बनाए। लो पापा को दो, पापा को। चलो, हमारा फेवरेट है ये। क्या हो रहा? बीना, हमको ये तेल मसाले वाला खाना काहे खिलाती हो? हमको मार देना चाहती हो क्या तुम? कान खोल के सुन लो बीना, आज के बाद हम कभी ये तेल मसाले वाला खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ उबला हुआ खाना खाएंगे। हमारा दिल हमारे शरीर का
बोझ नहीं उठा पा रहा है। पर पापा, शरीर का बोझ इंसान का दिल नहीं बल्कि पैर उठाते हैं। हाँ हाँ, तो फिर अपने पैरों की सेहत की खातिर हम ये तेल मसाले वाला खाना नहीं खाएंगे। हाँ, उबला हुआ खाना। मीनाक्षी, एक काम करो बेटा, देखो ऐसा करो, हमारे लिए ना मूंग की दाल उबाल कर ले आओ। ठीक है। अरे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हम आनंद माथुर अपने होश और हवास में ये घोषणा करते हैं कि हमारी मौत के बाद हमारी पूरी जायदाद हमारी पांचों बेटियों और दोनों बीवी, दोनों का है, हमारी एक बीवी के बीच में बराबर बराबर बांट दी जाए। हाँ। अयो दादा, इतनी रात गए कौन सा हिसाब किताब लेकर बैठ गए आप? फाइनल हिसाब किताब। फाइनल हिसाब किताब माने? नहीं। देखिए, आपको हमारी कसम है, बताइए हमको। वसीयत का ड्राफ्ट। वसीयत? अरे इतनी रात गए, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ पड़ी है जो आप वसीयत लिख रहे हैं? अब पूछते हो तो बताते हैं। मीना, हमको हार्ट का अटैक आने वाला है। नहीं बिना, नहीं। अरे काहे को रो रही हो, हम मरे थोड़ी हैं, अभी जिंदा हैं। अरे ओ दत्ता, लेकिन आप सोचे कि आपको अगर कुछ हो जाएगा तो आपके बिना आपकी बीना का क्या होगा? हम भी नहीं रहेंगे। दीदी, पापू को ऐसा वैसा कुछ ना हुआ है? डैडी, क्या हुआ आपको? डैडी, दीदी, मम्मा, जल्दी आइए, डैडी को कुछ हो गया। आई हो दत्ता? अरे क्या हुआ आपको? आराम से, आराम से, डैडी, अरे क्या हो गया? अरे मम्मी पापू ना हमारे साथ दौड़ने के लिए गए थे और वहीं बेहोश होकर गिर गए। अरे ये काजल की बच्ची ने हमको इतना दौड़ाया कि पूरे साल भर का कोटा एक दिन में खत्म कर दिया। काजल, तुझमें इतनी भी अक्कल नहीं है कि एक हार्ट पेशेंट को इतना नहीं दौड़ाते? अरे दीदी, दौड़ने से खून बढ़े से, और जब खून बढ़ता है तो इंसान हेल्थी होता है, आपने सुना नहीं है क्या? पर हार्ट के मरीज को कभी इतना तेज नहीं दौड़ाया जाता है। अरे दीदी, मैंने तो धीरे धीरे ही दौड़ाया था, वो तो बापू थे, दौड़ते दौड़ते निकल दिए। अरे बस करो तुम लोग, और आप भी इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी इतना दौड़ने की इस हालत में? अरे हमको क्या मालूम था कि हम जॉगिंग करेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। डैडी, बेहोश आप बाद में होइएगा, पहले आप एक खुशखबरी सुन लीजिए। क्या है? मिस अस्सी घाट मोहल्ला कॉम्पिटिशन में मेरा सिलेक्शन हो गया है, जिसके लिए मुझे 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, जिसके लिए मुझे 10,000 रुपए जमा करने होंगे। क्या 10,000? क्या नहीं, अभी हम हैं। हाँ फिर ठीक है। बेटा जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर को बुला के लाना। अच्छे से ज्यादा फीस नहीं होनी चाहिए उसकी। तू अंदर जा, अगर पापा को कुछ नहीं भी होना होगा तो भी तेरी बातें सुन के जरूर हो जाएगा। जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक बाहर मत आना, जा अंदर, अंदर जा, तू सबसे पहले अंदर जा। ज्यादा फीस नहीं होनी चाहिए उसकी। नहीं होगी, नहीं होगी। कहाँ है मरीज? ये रहे, आइए 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 आइए। और यो हमारे बापू मरीज। और बापू यो है एशिया के नंबर 1 हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर टीटू पांचवा। हेलो मरीज, मिल गया। एक्सक्यूज मी, सॉरी, मुझे मेरा मरीज मिल गया। अब मैं आपको चेक कर लेता हूँ, है ना?
अरे सुन क्यों नहीं रहा भाई कुछ? अरे मैं खुद ही भूल गया, भूल जाता हूँ ना कई बार। क्या चेक करना है? अरे आपका हार्ट चेक करना है ना। यहाँ पे वैसे आजकल हमारा हार्ट लेफ्ट में रखा है हमने। डॉक्टर कौन है? आप हैं। तो फिर ये कौन डिसाइड करेगा कि दिल तुम्हारे लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा? आप करेंगे। हाँ तो मैंने डिसाइड कर लिया, अब मेरे को चेक करने दो। हाँ कर। मेरे पैरों में कहाँ जा रहे हैं? चुप। सांस लो। ये कुछ सुन क्यों नहीं रहा यार? जूता पहना हुआ है ना इसीलिए। तो पहले बताना चाहिए ना। अच्छी घड़ी है आपकी। बहुत ही क्रिटिकल। अरे गोल पे बैठ गए। कह रहा था ना बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। कहाँ? इनके कोई टेस्ट करवाने पड़ेंगे क्या? सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ ईसीजी करवाइए, ईईजी करवाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए, शुगर टेस्ट करवाइए, स्टूल टेस्ट करवाइए, यूरिन टेस्ट करवाइए, और जितने टेस्ट होते सब टेस्ट करवा लीजिए। आप ले जाइए। इतने सारे टेस्ट? नहीं नहीं, आप चाहें तो ये टेस्ट बाद में भी करवा सकते हैं। फिलहाल अपन इनकी थोड़ी सी एंजियोप्लास्टी, थोड़ी सी ओपन हार्ट सर्जरी, थोड़ा सा बाईपास सर्जरी, और मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सा ही कर लेते हैं। क्या बोलते हो? अरे इतनी सारी सर्जरी एक साथ? अरे आपको पैकेज लेकर आए क्या? अरे आप लेते रहिए। अयोध्या डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे हैं या मिक्स वेजिटेबल बना रहे हैं? एक ऑपरेशन से काम नहीं होगा। नहीं हो दादा, एक से नहीं होगा। अरे मैं तो कहता हूँ मैं एक बार दिल खोल ही रहा हूँ ना, तो फिर दिल खोल के सारा ही काम कर देता हूँ ना। कुछ भी नहीं बचेगा। हम भी नहीं बचे। नहीं नहीं, मतलब बाद में कोई मुश्किल ही ना हो ना, कोई ऑपरेशन ना करना पड़े। ठीक है। पापा का ऑपरेशन कब और कौन से हॉस्पिटल में करना है? हॉस्पिटल में क्यों, घर में कर लेते हैं ना। होमली एटमॉस्फेयर। होमली एटमॉस्फेयर? फील होमली। अयोध्या डॉक्टर साहब इतनी जल्दी? अभी तो आप कोई टेस्ट भी नहीं किए ना। नहीं आप समझ नहीं रही है मैडम, मरीज की हालत बहुत ही नाजुक है ना, तो टेस्ट में टाइम वेस्ट करने का मतलब ही क्या है ना? हमने वैसे भी कई बार बिना टेस्ट के बहुत ऑपरेशन किए हैं, टेंशन मत लो आप। हाँ? लेकिन ऑपरेशन करने के बाद अगर पेशेंट का सारे टेस्ट नॉर्मल आए तो? देखिए देखिए डॉक्टर साहब, क्या है ना कि ये जो जल्दबाजी का काम है ना वो शैतान का काम होता है। लेकिन जल्दी का काम एक अच्छे डॉक्टर का भी तो होता है ना। आप लेट जाइए। ये यार ये कुर्ता कहाँ से है? ये आप ही का बैग आप खोलते होंगे ना। बहुत दिन हो गया ना इस हाथ लगाए हुए। अरे कहाँ से उठा के लाई उस नमूने को, इतना बड़ा इंजेक्शन? ये तो बहुत ही फेमस डॉक्टर से है। क्या गायब है इसका? नहीं इंसानों का। अरे आप घबराइए मत। हाँ हाँ पकड़ो मरीज को, पकड़ लो। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या होता है? देखिए देखिए हमारे जो फैमिली डॉक्टर है शर्मा, वो भी इतना बड़ा इंजेक्शन कभी नहीं लगाया हमको। अरे तो जितना बड़ा डॉक्टर उतना बड़ा इंजेक्शन है कि नहीं? अरे पकड़ लो ना। अरे अरे इंजेक्शन तो इन्हीं को लग गया, अब इनका ऑपरेशन कौन करेगा? अरे कहाँ जरूरत थी डॉक्टर को बुलाने के लिए, हमारी फैमिली डॉक्टर को कहा नहीं बुलाए? अरे शर्मा जी वो छोटे डॉक्टर है, ये तो बहुत बड़े दिल के डॉक्टर है, तो अच्छा है ना आपके लिए। बहुत बड़े दिल के या दिल के बहुत बड़े डॉक्टर है, कहा बोल रही हो? हाँ इंटरनेट पे भी यही लिखा है, डॉक्टर टीटू बाजवा सच में बहुत ही फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट है, इन्होंने पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों के हार्ट का इलाज किया है, और कभी कभी बिना टेस्ट के भी। देखा अगर ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब कि करना पड़ेगा, तभी इनकी जान बचेगी। हाँ 100%। हाँ मम्मी, मारे को इनकी इंटेलिजेंस के बारे में इनको देखते ही पता चल गया था। मरीज कहाँ है? पकड़ो मरीज को, अब जल्दी से इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनकी हालत बहुत ही सीरियस है, आप लोग मेरी मदद करोगे? ठीक है। तुम इस ऑपरेशन में हेड नर्स हो, ठीक है? और तुम बाकी की लड़कियां मेरी मदद करना, ठीक है? हाँ ठीक है सर, आपको जो करना है जल्दी कर दो, ऑपरेशन जल्दी से कर दो बस। तो चलो अब मरीज को उठाओ, डाइनिंग टेबल पे लेटाते हैं। चलो 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 चलो।
और जिस टेबल पर खाना खाना उसी टेबल से जाना। अरे बकलोल डॉक्टर, हम मर जाएंगे लेकिन हम तुमसे कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाएंगे। अरे घबराते काहे को हैं, हमने 70% ऑपरेशन लोगों के घरों में ही किए हैं, ऐसे ही ठीक है ना। एक मिनट नहीं, अरे बहुत थैंक यू। हाँ टाइम वैसे कहाँ गया वो डॉक्टर? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जाओ, मैं क्या कहता हूँ। डॉक्टर शर्मा, अरे हमारे घर में इमरजेंसी हो गई है, तो जरा तुरंत आ जाएंगे। आई हो दादा, लेकिन तुम्हारे पापा है कहाँ? हाँ यहाँ पे है। ओह नो, तुम सब लोग कान खोल के सुन लो, जब तक डॉक्टर शर्मा नहीं आएंगे हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, हमको सेकंड ओपिनियन चाहिए, सेकंड ओपिनियन। अरे ये क्या बात हुई, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ओपिनियन हम खुद ही हैं, ठीक है ना। आप लोग ऑपरेशन की तैयारी करो, हाँ, और ध्यान रखना ये मरीज उठ के भागने ना पाए। यार मुझे ना थोड़ा सा प्रेशर आ गया, इन्होंने इतना प्रेशर दे दिया है, अब मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। अंदर जाइए अंदर जाइए। अरे शर्मा शर्मा आ गया। आनंद जी, अब डॉक्टर आ गए। व्हाट क्या हुआ आपको? पिछले 7 दिनों से ना हमारे हार्ट में बहुत दर्द हो रहा है, और दूसरी बात ये लोग पता नहीं कहाँ से किसी हार्ट के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को ले आए हैं, और वो ऐसा डॉक्टर है कि हमें डाइनिंग टेबल पे लेटा के हमारा हर तरह का ऑपरेशन करने पर उतारू हुआ जा रहा है। देखिए आप घबराइए मत, अब लेटिए। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक है? क्या तुमको भी ऐसा लगता है कि हमारा पत्ता साफ होने वाला है? डॉक्टर साहब बताइए तो कुछ। लो मैं आ गया। फिर से सर आप? हाँ मैं, क्यों जानते हो? चलो चलो ऑपरेशन शुरू करते हैं। अरे यही तो है वो जो सब कुछ करने में उतारू हुए हैं। एक मिनट, हाँ ओके ओके। अरे कौन है ये डॉक्टर बाजवा, और ऐसे पागलों की तरह काहे बिहेव कर रहे हैं? अरे आनंद जी, क्योंकि ये पागल हो चुके हैं। हाँ? पागल खाने से भागे हुए हैं। हाँ? आप घबराइए मत, हमने फोन कर दिया है, वो लोग बस आते होंगे इन्हें ले जाने के लिए। आ रहा है क्या? हाँ? मेरे करण अर्जुन आएंगे। तुम आ गए। ले जाओ। अरे अरे एक मिनट, सॉरी मिस्टर माथुर। क्या है? आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे आराम से लेटिए, मेरा एक पेशेंट है ना, उसका घर पे जाके ऑपरेशन करना है। हम लेट जाते हैं। हाँ लेट जाइए। अरे बाप रे। वैसे डॉक्टर शर्मा, अरे हमारे हार्ट की क्या कंडीशन है कुछ बताया नहीं है, बस ऐसे उधार के एकदम सीरियस हो गए, कुछ तो बोलो। क्या प्रॉब्लम है बताओ, भाई हंस रहे हो भाई? क्योंकि जिस हार्ट के प्रॉब्लम को लेके आप इतने दिनों से परेशान हैं, एक्चुअल में वो क्रोनिक गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। मैं दवा लिख देता हूँ, इसे आप सुबह शाम ले लीजिएगा, ठीक है? 3 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। बस एक बात कहें, डॉक्टर आप हैं लेकिन हम आपको एक बात बताएं कि दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी? कौन सी? दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है शक की बीमारी, और वो भी ऐसा शक कि कहीं हम
बीमार तो नहीं है?